डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्टूडेंट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है ये सी के हेल्प से भी हम लोग सीखेंगे सी में हम लोग देखे थे मेलॉक फंक्शन अगर आप मेलॉक फंक्शन को नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए कि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, में, में पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को डबल पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को और वन डायमेंशनल एरे को और टू डायमेंशनल एरे को आज हम लोग कवर करेंगे तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो है ये भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम मेमोरी एलोकेशन सी लैंग्वेज में हम लोग इस तरह से लिखते हैं ये जो पॉइंटर पी तो ये जो पॉइंटर पी जो, तो जो, जो है ये वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है तो आप पॉइंटर का डिफिनेशन क्या लिखते हैं पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड ओनली अनदर वेरिएबल सिमिलर डेटा टाइप यही आपका डिफिनेशन है लेकिन स्टूडेंट अगर अपने थॉट को आप ब्रॉड करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगा कि सिंगल पॉइंटर कैन रिफर वन डायमेंशनल एरे इसी तरह से अगर डबल पॉइंटर लिख देंगे तो डबल पॉइंटर कैन रेफर टू डायमेंशनल एरे इज इट ओके अब यहां पर देखिये इंटीजर पॉइंटर पी जो लिया जा रहा है पी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस न्यू ऑपरेटर जो है ये सी प्लस प्लस में आपको पढ़ाया जा रहा है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है ये मेलॉग फंक्शन से ही मिलता है तो न्यू ऑपरेटर इट इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली तो यहां लिखेंगे पी इक्वल टू न्यू इंट एंड साइज ऑफ द मेमोरी सपोज हम लोग यहां लिख रहे हैं फाइव मीन इसका मतलब क्या हो रहा है चलिए इसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं देखिए पी जो है ये पॉइंटर है और ये पॉइंटर अगर है तो ये वेरिएबल है ठीक है न्यू ऑपरेटर जो है इसके हेल्प से मेमोरी एलोकेट हो रहा है अब जब ये मेमोरी एलोकेट हो रहा है तो ये फाइव इंटीजर टाइप का है इसीलिए ये फाइव साइज का मेमोरी एलोकेट कर रहा है और यहाँ मिल रहा है जीरो वन टू थ्री ये आपका सब्सक्रिप्टिंग एड्रेस है और जैसा कि हमें पता है मेमोरी का बेस एड्रेस होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये टू हंड्रेड है ये टू हंड्रेड टू है ये टू हंड्रेड फोर है ये टू हंड्रेड सिक्स है और टू हंड्रेड ये एट है नाउ न्यू ऑपरेटर क्या कर रहा है ये मेमोरी के बेस एड्रेस को रिटर्न करके पी में रख रहा है तो यहां से आपको क्या मिल रहा है 200 हंड्रेड ना पी इज द पॉइंटर विच इज रिफर टू दिस वन डायमेंशनल एरे तो स्टूडेंट आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल पॉइंटर कैन रिफर वन डायमेंशनल एरे एंड साइज के जगह पर आप वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम लोग एरे ले रहे थे तो एरे में साइज के जगह पर हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे लेकिन यहां पर हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वी कैन एलोकेट मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम इज इट ओके अब इस पी पॉइंटर के हेल्प से हम इस इंटायर मेमोरी में इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं सी प्लस प्लस में इनपुट के लिए आप कोड लिखिएगा आई इक्वल टू जीरो आई इज लेसर देन फाइव आई प्लस प्लस और यहां लिखिएगा सी आउट विद द हेल्प ऑफ सी आउट आप लिखिएगा सिंपली इंटर एलिमेंट इंटर एलिमेंट और यहां लिखिएगा सी इन सी इन पी ऑफ आई इस फोर लूप के थ्रू आप इस एरे में इनपुट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर पी क्लियर है जब आई का वैल्यू जीरो है तो जीरो इज लेसर देन फाइव कंडीशन इज ट्रू, तो पी ऑफ जीरो यानी पी जीरो के एड्रेस पर ये इनपुट हो जाएगा फिर आई का वैल्यू जब वन होगा इंक्रीमेंट के कारण देन वन इज अगेन लेसर देन फाइव कंडीशन इज ट्रू, तो पी ऑफ वन पी ऑफ वन में इनपुट हो जाएगा सिमिलरली ये जीरो से लेके फाइव तक इसमें इसके हेल्प से ये इनपुट हो जाएगा तो विद हेल्प ऑफ पॉइंटर वी कैन एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली एंड वी कैन स्टोर द एलिमेंट थ्रू कीबोर्ड अब इस पॉइंटर पी के हेल्प से हम लोग आउटपुट करते हैं तो आउटपुट करने के लिए फिर से लूप चलाना पड़ेगा आई इक्वल टू जीरो एंड आई इज लेसर देन फाइव एंड आई प्लस प्लस और यहां पर क्योंकि हम लोग आउटपुट कर रहे हैं इसीलिए केवल सी आउट लिखना होगा और कुछ स्पेस दे दीजिए या तो टैब दे दीजिए आप एंड देन आप यहां पर लिख दीजिए पी ऑफ आई सिंपली आप लिख दीजिए पी ऑफ आई तो ये आउटपुट स्टेटमेंट विद द मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम रन टाइम एलोकेशन ओके तो स्टूडेंट अगर आपको प्रोग्राम लिखने आता है तो आप सिंगल पॉइंटर लीजिएगा यहां पर ये स्टेटमेंट लिखिएगा एंड देन इनपुट पहले कीजिएगा इनपुट भी इससे पहले लिखे थे हम इनपुट करने के बाद में आप आउटपुट स्टेटमेंट को सिंपली लिखिएगा i को टू जीरो i इज लेसर देन फाइव आई प्लस प्लस एंड p एफ एंड p ऑफ i को आप डिस्प्ले कीजिएगा तो मेन फंक्शन में इस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है इन C++ एंड आपको आउटपुट देखना है तो स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डबल पॉइंटर कैन वी एलोकेट टू डायमेंशनल एरे तो यहां पर अगर हम ऐसा लिखते हैं इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर पी तो इसे हम लोग बोल रहे हैं डबल पॉइंटर ठीक है अब डबल पॉइंटर को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे स्टूडेंट आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगा कि डबल पॉइंटर किस तरह से काम कर रहा है और इसमें न्यू ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा है और न्यू ऑपरेटर जो है ये जावा में भी आपको पढ़ना है अगर यहां पर आपको समझ नहीं आता है तो जावा में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा तो यहां पर इंटीजर पॉइंटर पी अगर हम सिंपली ले रहे हैं तो ये सिंगल पॉइंटर है और यहां ये यह एरे है एरे ऑफ इंटीजर टाइप तो ये जो एरे है ये एरे को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर और इसका ये बेस एड्रेस हम मान लेते हैं कि ये एट हंड्रेड है तो ये एट हंड्रेड टू होगा और इसी तरह से ये एट हंड्रेड फोर होगा एंड सो ऑन तो क्या ये p जो पॉइंटर है ये पॉइंटर इस एरे को पॉइंट कर सकता है तो यस ये पॉइंट कर सकता है जब आप लिखेंगे p इक्वल टू ए और या नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ जीरो अगर आप ये भी लिख रहे हैं तो जीरो के बेस एड्रेस यानी 800 जो है ये पॉइंटर p में स्टोर हो जाएगा और ये पॉइंटर जो है इस एरे का पॉइंटर हो जाएगा विथ द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर यू कैन ट्रेवर्स इंटायर मेमोरी इज इट ओके तो इसका मतलब यह है कि अगर सिंगल पॉइंटर है तो सिंगल पॉइंटर कैन रेफर वन डायमेंशनल नेरे क्लियर है तो यहां पर समझते हैं कि डबल पॉइंटर कैन स्टोर व्हाट तो डबल पॉइंटर कैन होल्ड ओनली द एड्रेस ऑफ सिंगल पॉइंटर तो यहां पर सिंगल पॉइंटर का जो बेस एड्रेस है यह हम मान लेते हैं कि टू थाउजेंड है अगर यहां पर हम ऐसा लिख दें थ्री तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है यह एरे ऑफ एरे ऑफ ये पॉइंटर है क्या है ये एरे ऑफ पॉइंटर यानी कि यहां पर जो हमें मिल रहा है ये हमें जो मेमोरी का साइज हमें मिल रहा है ये हमें मिल रहा है यहां जीरो यह वन एंड टू और इसका अगर ये बेस एड्रेस 2000 है तो ये इसका नेक्स्ट का जो होगा 2002 होगा एंड नेक्स्ट का जो होगा 2004 होगा लेकिन ये एरे ऑफ पॉइंटर है इसका मतलब कि यहां पर भी पॉइंटर है ये भी सिंगल पॉइंटर है ये भी सिंगल पॉइंटर है तो इस सिंगल पॉइंटर के लिए आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू इंट और यहां पर आप लिख दीजिए थ्री तो स्पेस आपको मिल जाएगा थ्री साइज का फिर यहां पर भी आप अगर लिख दीजिएगा न्यू इंट एंड थ्री तो आपको थ्री साइज का जो एरे जो है सिंगल एरे मिल जाएगा और यहां पर भी आप लिख सकते हैं न्यू इंट एंड थ्री तो यहां पर न्यू ऑपरेटर के हेल्प से मेमोरी जो है एलोकेट हो जाएगा जिसका साइज है थ्री स्टूडेंट तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि डबल पॉइंटर जो है ये सिंगल पॉइंटर के एड्रेस को रख सकता है तो डबल पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ सिंगल पॉइंटर और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि डबल पॉइंटर कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर तो यहां पर आपका जितना पॉइंटर है सारे पॉइंटर के लिए आप मेमोरी सिंगल डायमेंशनल मेमोरी आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से आपको जो मेमोरी का चंक्स मिलेगा दैट इज टू डायमेंशनल एरे तो हम लोग बोल सकते हैं कि डबल पॉइंटर कैन रेफर टू डायमेंशनल एरे तो स्टूडेंट इस डायग्राम को आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए इसी डायग्राम के हेल्प से इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से अभी हम लोग टू डायमेंशनल एरे हाउ टू क्रिएट टू डायमेंशनल एरे विद द हेल्प ऑफ डबल पॉइंटर ये सीखेंगे एंड इनपुट इनटू द मैट्रिक्स एंड आउटपुट इनटू द मैट्रिक्स ये भी सीखेंगे तो यहां पर इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर पी जो है ये डबल पॉइंटर है आप क्या कीजिए पी के लिए मेमोरी एलोकेट कीजिए विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर तो देखिए यहां पर हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं p इक्वल टू न्यू इंटीजर पॉइंटर थ्री मीन्स ये जो डबल पॉइंटर है इसके हेल्प से वी आर क्रिएटिंग एरे ऑफ पॉइंटर तो आप इस डायग्राम को फिर से देखिए p जो है इसके हेल्प से आप एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी और ये जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है ये जीरो वन ये एंड टू ये एलोकेट हो गया लेकिन यहां पर क्या है ये तो एरे ऑफ पॉइंटर है ये एरे ऑफ पॉइंटर है पर आप क्या रख सकते हैं इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे हम लिख सकते हैं फॉर इक्वल टू जीरो आई इज लेसर देन थ्री आई प्लस प्लस ओके और यहां पर हम क्या लिखेंगे फिर हम लिख सकते हैं पी ऑफ आई इक्वल टू न्यू इंट एंड साइज ऑफ एरे थ्री तो इस कोड को आप ध्यान से देखिए इस कोड में हो क्या रहा है तो आई जब जीरो तो के लिए न्यू ऑपरेटर के हेल्प से मेमोरी एलोकेट हो रहा है डायनेमिकली तो यहां पर ये थ्री साइज का ये जो है ये थ्री साइज का मेमोरी एलोकेट एलोकेट हो गया है ठीक है जब आई का वैल्यू वन होगा तो यहां वन में वन में यहां भी पॉइंटर है इसके हेल्प से पी ऑफ वन में न्यू ऑपरेटर के हेल्प से इंट एरे यानी कि यहां पर एरे जो है ये थ्री साइज का क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल पॉइंटर है सिंगल पॉइंटर कैन रिफर वन डायमेंशनल एरे जब i के वैल्यू टू होगा तो p ऑफ टू के लिए देखिए यहां मेमोरी फिर से क्रिएट होगा और ये क्रिएट कितना होगा तो थ्री साइज का ठीक है तो ये हो गया जीरो ये हो गया वन ये हो गया टू ओके तो यहां से देखिए P के हेल्प से P00 जीरो जीरो यानी इस लोकेशन पर हम एक्सेस कर रहे हैं P01 जीरो वन यानी ये लोकेशन है P12 वन टू यानी ये लोकेशन है तो ये जो है ये हमारा थ्री इंटू थ्री का ये मैट्रिक्स बन गया तो विद हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन एलोकेट टू डायमेंशनल मैट्रिक्स क्लियर है? तो आप इस कोड को लिखिएगा अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग इनपुट एंड आउटपुट किस तरह से करेंगे तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो स्टूडेंट मेमोरी को एलोकेट करने के बाद अब इसमें इनपुट करने के लिए क्योंकि ये टू डायमेंशनल एरे है तो यहां पर आउटर लूप और इनर लूप दो लूप अप्लाई करना पड़ेगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आउटर लूप जो है इट इज फोर रो एंड इनर लूप जो है इट इज फोर कॉलम तो विद द हेल्प ऑफ आउटर लूप वी आर क्रिएटिंग रोज एंड विदेल्प ऑफ इनर लूप वी आर क्रिएटिंग कॉलम तो यहां पर आई इक्वल टू जीरो आई इज लेसर दैन थ्री आई प्लस प्लस फिर यहां पर लिखा जा रहा है फोर जे इक्वल टू जीरो प्लस एंड इंटर एलिमेंट ये मैसेज दिया जा रहा है और यहां देखिए सी इन के हेल्प से आप क्या कर रहे हैं पी ऑफ आई जे यानी कि जब आई का वैल्यू जीरो होगा तो जेज का वैल्यू जो है जीरो वन टू यानी ये वन पहला रो के लिए इनपुट हो जाएगा सिमिलरली जब आई का वैल्यू वन होगा तो फिर जे का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा तो यहां पर इनपुट हो जाएगा सेकेंड रो में और जब i का वैल्यू टू होगा तब भी कंडीशन ट्रू है तब यहां पर ये थर्ड रो में यानी कि सेकेंड रो में इनपुट हो जाएगा आई का वैल्यू थ्री होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे तो यहां पर इस कोड के हेल्प से आप क्या कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स में इनपुट कर रहे हैं ठीक है तो आप इस कोड को लिख लीजिए अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट जो है इस मैट्रिक्स से किस तरह से आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो यहां पर फोर लूप जो है ये दो फोर लूप आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा पहला आउटर लूप जो है ये रो क्रिएट करेगा इनर लूप जो है ये कॉलम क्रिएट करेगा लेकिन सी इन स्टेटमेंट जो है ये इनपुट के लिए है ये स्टेटमेंट को यहां से एलिमिनेट करना होगा तो यहां पर आप लिखेंगे सी आउट एक टैब आप दे दीजिए टैब स्पेस के लिए एंड पी ऑफ जे पी ऑफ आई जे इसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं और जब आप ये कॉलम क्रिएट कर ले रहे हैं यानी इनर लूप से आप बाहर निकल रहे हैं तो आप न्यू रो में जा रहे हैं इसीलिए यहां पर सी आउट न्यू नाइन ये लिखना बहुत ही जरूरी है और यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये आउटर लूप को ये क्लोज कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड आप मशीन में इसे रन करके देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन क्रिएट मैट्रिक्स टू टू मैट्रिक्स और एरे विद हेल्प ऑफ डबल पॉइंटर एंड तो स्टूडेंट आप इस कोड को अपने मशीन में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा तो स्टूडेंट आप इस प्रोग्राम को आप अपने अनुसार मशीन में लिखिए और स्टूडेंट अगर इस प्रोग्राम को आप मशीन में इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा और स्टूडेंट आपको किस टॉपिक पर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको C++ पढ़ना है तो आपको C की जानकारी होनी चाहिए और अगर आपको जावा पढ़ना है तो C++ की जानकारी होनी चाहिए देखिए यहां पर न्यू ऑपरेटर जो है C++ में हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन न्यू ऑपरेटर जो है ये मैलॉक मैलॉक फंक्शन फंक्शन जो कि C C++ लैंग्वेज में में था उसी के प्लेस में, न्यू ऑपरेटर यूज कर रहा है और ये जावा में भी इसी को यूज करते हैं हम लोग तो विद हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर वी आर इंस्ट्रांसिएटिंग स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट ये हम लोग जावा में सीखेंगे